घर के बाहर खड़ी कार, कार में लगी ये आग अपने आप नहीं लगी है, इसे लगाया गया है। देखिए किस तरह दो बाइक सवारों ने घर के बाहर खड़ी इस कार को आग के हवाले कर दिया। चलिए अब आपको इस कार के मालिक का नाम बता देते हैं। कार मालिक का नाम है रूप सिंह राठौर। रूप सिंह राठौर बीजेपी नेता हैं और हाल ही में जिला परिषद के सदस्य चुने गए हैं। अब रूप सिंह राठौर से ही पूरी व्यथा सुन लीजिए। शाम को इंद्रोई गांव गया था, वहाँ मेरे मिलने वाले लीलाराम जी के पास था और वहाँ मंदिर में दर्शन किए, खाना खाकर मैं वहाँ से रवाना हो गया। लगभग 11:30-12 बजे मैं यहाँ पहुँचा। गाड़ी मेरे ड्राइवर ने खड़ी की, मेरा सामान था अंदर रखा और हम सोने की तैयारी कर रहे थे। इतने में 12:30 के लगभग हमारा पड़ोसी लाल सिंह है, उसने आवाज़ दी कि वकील साहब आपकी गाड़ी चल रही है, बाहर आओ जल्दी। और मेरे लड़के को भी बुलाया, हम दोनों गए बाहर। मेरा एक नौकर भी था जिसने पानी बाल्टियाँ लाई और उसने भी मोटर स्टार्ट की पानी की, जिससे नली से पानी उड़ेल कर हमने 1 मिनट में आग पर काबू पाया। और उसके बाद हमने CCTV फुटेज देखा तो उसमें दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए, गाड़ी के पास में मोटरसाइकिल खड़ी की, एक उतरा, एक के हाथ में बोतल थी जिसमें ज्वलनशील पदार्थ था, चाहे पेट्रोल हो या कोई और, उसने उस गाड़ी पर 3-4 बार डाला। और उसके बाद में मोटरसाइकिल चलाने वाले ने माचिस से तीली निकाली लगाकर उसमें गाड़ी पर फेंकी, जिससे गाड़ी आग के हवाले हो गई। और हमने उसको CCTV फुटेज के आधार पर फिर दूसरे फुटेज भी देखे तो मोटरसाइकिल बहुत स्पीडली लक्ष्मी नगर की तरफ गई। राठौर जी ने जिले के SP के पास जाकर अपनी व्यथा बताई। SP आनंद शर्मा ने कहा कि FIR दर्ज करा दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। रूप सिंह जी वकील साहब हैं, उनका घर है बाड़मेर शहर में। तो एक कुछ दो लोग जो है जो अपना चेहरा बांध कर आए, उन्होंने केरोसिन या पेट्रोल कुछ उनकी गाड़ी के विंडस्क्रीन और छत पे डाला और उस पर आग लगा दी, जैसा कि फुटेज में नज़र आ रहा है। इन्होंने आज हमको रिपोर्ट दी है, इसमें हम प्रकरण दर्ज कर रहे हैं और इसमें एक टीम बना करके प्रयास करते हैं कि वो कौन है जो अज्ञात लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। मामले को लेकर बीजेपी के नेता और पेशे से वकील रूप सिंह राठौर का कहना है कि हाल ही में मैंने बीजेपी की ओर से जिला प्रमुख पद का चुनाव लड़ा था और इससे पहले मेरी पत्नी सरपंच पद का चुनाव जीत चुकी है। राजनीतिक साजिश होने की आशंका है, लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले में जांच करके खुलासा करे। राजस्थान तक के लिए बाड़मेर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।